रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जुगन काजिम आपके सामने एक बार फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पीटीवी होम पे हाजिर है। प्लान नहीं था लेकिन आंखों में आंसू फिर आ गए क्योंकि लास्ट शो अपना मुझे याद आया। मेरे दिमाग में कुछ तीन साल पहले एक वो जो कहते हैं ना एक फतूर पैदा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में वापस जाना चाहिए, वाई नॉट ट्राई द प्राइवेट सेक्टर अगेन। एंड जेन्युइनली व्यूअर्स, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि आप जानते हैं मेरी शुरुआत भी प्राइवेट सेक्टर में हुई थी। एंड देन जैसे वक्त गुजरा घर बहुत याद आना शुरू हो गया। ये मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं कहूँगी कि आई डिडंट इवन थिंक अबाउट पीटीवी। पीटीवी एक ऐसी जगह, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मदर इंस्टीट्यूशन है हम सबका। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बग़ैर अपने आप को मैंने तीन साल बाकायदा नामुकम्मल महसूस किया। और जब एक जगह पे आप बड़े होते हैं, सीखते हैं, बड़ी तो खैर मैं थी ही जब मैं आई थी और फिर मज़ीद और बड़ी हो गई, लेकिन जब मैं आई पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क तो मेरी एक ही सोच थी कि यहाँ पे मैंने कुछ करना है, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है। नॉट दैट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मेरा मोहताज है, बट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इज़ एन अमेजिंग 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 इंस्टीट्यूशन। जितनी सिक्योरिटी, जितनी मोहब्बत, जितना रिकार्ड मुझे यहाँ पे मिला अपने पूरे टेन्योर में, मैं उसका उस किस्म का प्यार और मोहब्बत मुझे और कहीं नहीं मिला। एंड जब मुझे पूछा गया कि क्या मैं वापस मॉर्निंग शो करना चाहूँगी तो मेरे लिए ये एक वो जो कहते हैं ना कि एक पॉइंट ऑफ वो जो कहते हैं ना कि आप एक कंफ्यूजन में चले जाते हो, जाऊं वापस ना जाऊं, क्या करूं, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट थिंग। और वो जो एक टिपिकल हम पाकिस्तानियों का एक कंसर्न होता है कि यार वापस तो चले जाएं लेकिन व्हाट विल बी डिफरेंट। तो फिर ख्याल आया कि क्या ज़रूरी है कि डिफरेंट होना ही इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी बड़ी एक ज़रूरी और अहम चीज़ होती है और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने मुझे ये सिखाया। और बल्कि अक्सर यहाँ पे हम जब बात करते थे और मैं कहती कि तो ये चीज़ कर लेते हैं बड़ी रेटिंग आएगी, तो मुझे एक ही बात कही जाती थी कि हम स्टेट चैनल हैं। एक तरीका होता है अपने आप को स्टेट चैनल पर कंडक्ट करने का, रेटिंग प्रायोरिटी नहीं है, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रायोरिटी है। और कोशिश भी हमारी यही रहेगी मॉर्निंग एट होम में। सो मॉर्निंग एट होम में आप सबका खुशामदीद कहना चाहूँगी, अपने आप को भी खुशामदीद कहना चाहूँगी बिकॉज बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है। और अच्छे के साथ वो जो एक फीलिंग नहीं होती कि जब आप बड़े अरसे बाद घर वापस आते हैं तो एकदम से एक सुकून आ जाता है। तो वापस घर आ गई हूँ आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी रिक्वेस्ट पे और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की सपोर्ट और फेथ से। सो बात करना चाहूँगी मैं अब कुछ उन लोगों की जिन्होंने मुझे बहुत पुश और सपोर्ट किया टू कम बैक। सबसे पहले हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, सैयद मुबशर तौकीर शाह। मुबशर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है कि उन्होंने
सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान टेलीविज़न आऊँ और वापस शो को टेक ओवर करूँ. सो बश साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स फॉर हैविंग फेथ इन मी, अकबर मलिक साहब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई फारूक हैदर साहब जो कंट्रोलर प्रोग्राम्स प्लानिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हैं, और एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने हर स्टेज पे सपोर्ट किया, गाइड किया, और इसके साथ साथ हमेशा रापते में रहे. देखिए व्यूअर्स, बड़े कम लोग होते हैं जब आप किसी भी जगह पे जॉब छोड़ते हैं तो वो आपके साथ रेगुलरली इन टच रहें, और फारूक भाई को मैं ये बात ज़रूर उनके बारे में कहना चाहूँगी कि उन्होंने ऑल थ्रू साथ नहीं छोड़ा. हमेशा कोई भी बात होती थी, कोई शो ऐसा होता था जो उनको अच्छा नहीं लगता था जो मैंने किसी और चैनल पे किया हो, या उनको कोई चीज़ पसंद आती थी और वो उसके बारे में दाद देना चाहते थे, तो सबसे पहले फारूक भाई का फ़ोन आता था. और उसके साथ ऑफ कोर्स अब जिनका मैं नाम लेने जा रही हूँ उनका तो मैंने हर चैनल पे नाम लिया है. मैं जहाँ पे भी गई, जहाँ पे भी काम किया, हर इदारे, हर इंस्टीट्यूशन, हर जगह पे मैंने इनको हमेशा से अपना एज़ फार एज़ होस्टिंग इज़ कंसर्न्ड अपना उस्ताद माना है. और मीडिया में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, हर चीज़ रेटिंग के लिए नहीं करनी और एक तमाशा नहीं अपना बनाना, इसकी गाइडेंस हमारे बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर जो मॉर्निंग में जब उनके प्रोड्यूसर रहे, उसके बाद फिर माशाल्लाह कामयाबी की सीढ़ियां चलते ही चले गए और प्रोग्राम मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क बने, और अब हमारे माशाल्लाह प्रोग्राम मैनेजर भी हैं एंड उसके साथ साथ जनरल मैनेजर भी हैं ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर. तो ब्लेस यू कैसर साहब, आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट के बगैर ऑनेस्टली आई एम एब्सोल्युटली नथिंग. और जो टीम आपने उस वक्त डेवलप की, उसी टीम के सब लोग अब हमारे साथ हैं और उस टीम में कुछ और लोग भी शामिल हुए हैं, उन सबको वेलकम करना कहना चाहूँगी. और व्यूअर्स, आपको पता है हमेशा प्रोग्राम में मैं हम की बात करती हूँ, हम सब मिलके ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं, तो अब आगे जाके भी जब मैं कहूँगी कि हमने ये और हमने वो, तो मेरा मतलब है हमारी सारी टीम जिसमें एक एक शख्स शामिल है. एंड देन ऑफकोर्स एक ऐसी प्यारी दोस्त जो दोस्त तो अब जाके बनी है लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारी जो सेट डिज़ाइनर हैं समरीन मज़र. दिन रात एक करके उन्होंने ये सेट तैयार किया, और जैसे जैसे हमने डिस्कशन की उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ प्रोवाइड की. और मतलब ये एक ऐसी सेट डिज़ाइनर है जो हर होस्ट की पर्सनैलिटी के मुताबिक, जैसे कि जो उनका मिजाज है उसके हिसाब से डिज़ाइन करती हैं. सो हमारी इंटीरियर क्वीन जो हैं समरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समरीन, ब्लेस यू फॉर मेकिंग सच एन एफर्ट, और दिन रात एक करके जो आपने इतना खूबसूरत सेट तैयार किया. सो व्यूअर्स, आज मुलाकात होगी बहुत से अमेजिंग लोगों से, बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने साथ दिया मेरा, और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे दे हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड लविंग. उन सब से मुलाकात होगी अगले मरहले में, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलना बड़ा ज़रूरी है जो अब हमारे साथ हुआ करेंगी, एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड शेफ़ राहिमा शेख. इन्होंने भी मेरे साथ वेरियस डिफरेंट चैनल्स पे साथ दिया है, तो उनसे मिलना भी ज़रूरी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो छोटू. अच्छा ये बताओ रहमा कि आज वुड यू लाइक टू से एनीथिंग, फर्स्ट डे ऑफ द मॉर्निंग शो, कुछ अपने तासुरात शेयर करना चाहोगी? मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पीटीवी के साथ काम करूँगी, लेकिन आज फर्स्ट डे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. I'm so glad that you're here. And वही वाली बात है ना, मदर इंस्टीट्यूशन, दुनिया के हर कोने में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क देखा जाता है, फिर हमारा शो पी टी वी ग्लोबल पर भी ऑन एयर जाता है, सो यू नो पूरी दुनिया आपको देखेगी. अच्छा मुझे ये बताओ कि आज एक तरह से हमारा एक सेलिब्रेशन का शो है, तो आज क्या सोचा है बनाने के लिए? कोई एक कोई ऐसी डिश होनी चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में हर कोई बड़े शौक से खाता है, इसलिए आज वही रखी है. बताएं गेस करें आप घर निहारी, क्योंकि आपको पता है निहारी मेरी फेवरेट है, मेरे पापा टीवी पे अक्सर ये बात कही है कि मेरा दिल चाहता है पाकिस्तान की फेवरेट निहारी. भी कुछ लोग नहीं खाते. हाँ बड़े लोग नहीं खाते, बड़ा मुझे अफसोस होता है. तो फिर बताएं क्या होगी?
बिरयानी, ऑफ कोर्स बिरयानी, और हर इंसान कहता है कि हमारी, और हर जो है प्रोविंस में कहा जाता है कि हमारी बिरयानी जो है वो बेहतरीन है। ये तो आपने खा के बतानी है कि बेहतरीन है कि नहीं है। ओके, सो एक बिरयानी, सो मेन्यू टोटल क्या है आज हमारा? आज हमारा मेन्यू है चिकन बिरयानी, पीच मोइटो और है मैंगो प्यूरी। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो ये मज़े का मेन्यू जो है आज आप लोगों के लिए तैयार होगा सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा भी व्यूअर्स, बात यह है कि आपने मॉर्निंग विद जुगन में भी देखा होगा एंड मॉर्निंग एट होम में भी देखेंगे कि हमें खाने पीने का और उससे ज़्यादा लोगों को खिलाने का बड़ा शौक़ है। हमारी कोशिश होती है कि अमेजिंग अमेजिंग सी रेसिपीज़ तैयार करें। अच्छा, अब आप प्रॉबेबली सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग एट होम में हम करने क्या जा रहे हैं। करेंगे हम कुछ ये कि व्यूअर्स, हम इंफॉर्मेशन तो देंगे ही, क्योंकि आपको पता है हमारा गोल हमेशा एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है कि हम आपको एंटरटेन भी करें लेकिन उसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन हैवी भी रखें। सो आई वॉन्ट कि हम इंटरेस्टिंग सेंसिबल प्रोग्रामिंग आप तक पहुँचाएँ जहाँ पर हल्ला गुल्ला ज़रूर होगा लेकिन उसके साथ साथ आपको सीखने का, एजुकेट होने का और ग्रो करने का मौका भी मिलेगा। हम भी आपके साथ ग्रो करेंगे और देखें ना, अल्टीमेटली तो यही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोग्राम का, किसी पर्पस को अचीव करने का। और हमारा गोल एक ही है कि आपको अच्छी डिसेंट प्रोग्रामिंग दें जो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी देख सकें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय कर पाएँ और ऑफ़ कोर्स कुछ सीखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम तो आपको सिखाएं सो सिखाएं, आप हमें सिखाएं और इस कॉम्बिनेशन के साथ इस शो को हम एक सक्सेस बनाएं। सो जुगन काजिम बैक एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मॉर्निंग एट होम, छोटी सी प्यारी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एंड अब बुलाते हैं उन प्यारे प्यारे लोगों ने जिन्होंने हर जगह हर फोरम पे हमेशा मेरा साथ दिया। और अगर ये कहूँ कि फैमिली से बढ़ के मेरे साथ खड़े रहे हमेशा, तो ये बात गलत नहीं होगी। सबसे पहले एक बहुत ही प्यारे से हम सब के लाडले, एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, रिमार्केबल रिमार्केबल एक्टर, मतलब पहले तो अच्छे एक्टर थे लेकिन अब पता नहीं क्या इन्होंने खा लिया कि पहले से भी ज़्यादा अमेजिंग और फिनोमिनल ट्रू आर्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स एक फैंटास्टिक होस्ट जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। आजिज़ी मुझे सिखाई इन्होंने। एक्चुअली मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं अपने हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन थी और एक मैं थोड़ा सा ना थोड़ी मूडी और टेम्परमेंटल हुई हुई थी और इन्होंने मुझे इतने प्यार से ये समझाया कि चुगन तुम्हें ये चीज़ें सूट नहीं करती। एंड यू नो, कभी कभी किसी इंसान का आपको ये कहना और आपको रिमाइंड करना कि फलदार दरख्त जो है वो हमेशा झुका हुआ होता है, और ख़ुद भी एक बहुत आजिज़ और प्यारे इंसान, आपके मेरे हम सब के बहुत ही प्यारे लाडले नूरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। ऐ फूल, तेरे फूल ने ये फूल भेजा है। ये तो था? नहीं, नहीं, कुछ ऐसे ही था। नहीं, वो आपको बेहतर पता है। बहुत बहुत मुबारक जुगर। आइए भैया, प्लीज बैठिए। तुम घर आ गई, मतलब वापस बैक टू होम? मैं फेर घर आ गई और मैंने हैशटैग भी बना लिया ना, बैक 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 एट होम। जिंदाबाद, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। वैसे तो ये आपका होम है। अच्छा जी। हम सब आते जाते रहते हैं, अगर कहा जाए ये तो बात गलत। ये हम सबका, ये हम सबका होम है। अच्छा, एक बहुत ही प्यारी क्यूटी पाई जिसके साथ मैंने
वक्त बहुत गुजारा शोज़ के अंदर, लेकिन द मोस्ट सपोर्टिव एंड मोस्ट लविंग आर्टिस्ट, अगेन मेरी बहुत ही लाडली, बहुत ही प्यारी सामिया बट हमारे साथ है, गॉर्जियस एक्ट्रेस, गॉर्जियस मॉडल एंड मेरा बच्चा. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. क्या हाल है मेरी जान? थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम. हाँ वेलकम होम. ना तुम आ गए हो. दिन का भूला क्या क्या है वो भैया? सुबह का भूला. सुबह का भूला. हाँ, शाम को वापस आ जाए, दोपहर को आ जाए. तो उसे भूला नहीं, पोला कहते. पोला कहते, पोला पोला कहते. आजकल आपको पता है रेसिपी पोली पोली सी हूँ ना, तो इट्स ओके. और बाय द वे पीटीवी वाई दीदार है जिसने मुझे बहुत पतला, बहुत मोटा, बहुत पतला, बहुत मोटा होते हुए देखा. अब मैं, मुझे लग रहा है मैं कुछ बीच में हूँ. अभी मुझे नूर भाई ने इस पे लेक्चर भी देना है, लेकिन वो ब्रेक में देंगे ये मुझे पता है. लेकिन आप बहुत प्यारी हैं. आई थैंक, वो मेरा बच्चा, थैंक यू. देखा ना नूर भाई, इसीलिए मैं इसी कह रही है, जो तू वंडती रही वही तुम लव जाना वापस. जिनको मैंने हमेशा हमेशा बाय द वे नूर भाई अपना लकी चार्म कहा है, क्योंकि मैंने जब भी कोई नया शो शुरू किया इनको जरूर बुलाया है और कहा है आपने जरूर आना है, आप कदम रखेंगे. बरकतों वाले बंदे, बरकतों वाले. और बाय द वे आप जब तकसीम करने की बात करते हैं तो ये शख्स फाइनेंशियली तो तकसीम करता है, सो करता है, लेकिन जितनी मोहब्बतें ये बांटते हैं, जितना रिगार्ड ये करते हैं, होंगे भाई बहुत बड़े सुपरस्टार, इंटरनेशनल सुपरस्टार, लेकिन हमारे भाई हैं और हर इंसान ने इनसे कुछ ना कुछ सीखा है. यू नो नूर भाई, जिस तरह आपसे भी हर इंसान कुछ ना कुछ सीख जाता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए. सभी एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन when it comes to him, ये तो जानने वाले हैं ना. ये तो वो हैं इसमें बामुसम्मा, जिनको हमेशा हर इंसान ने दुआएं ही दी हैं. और मेरी जिंदगी में भी कभी कोई टफ टाइम आया है तो मैंने उनको हमेशा कहा है कि भैया प्लीज आपने मेरे लिए जरूर दुआ करनी है. इंटरनेशनल सुपरस्टार, पाकिस्तान की पहचान, बब्बर शेर हमारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड आरिफ लोहार हमें ज्वाइन करेंगे जी. क्या बात. Show.
वालेकुम अस्सलाम, आपको मुबारक हो, वेलकम बैक होम। वेलकम बैक होम, बात तो सच है हाँ, लेकिन रुसवाई की नहीं है, तो ये बात तो शुक्र है। आइए भैया। अच्छा, सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब भी शुक्रिया अदा तो करें ना हमारे साथ, जो हमारे भंगड़ा परफॉर्मर्स थे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पंजाब को रिप्रेजेंट किया उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताइए आप सब से, ऑफ कोर्स ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ आप सबका एक बड़ा करीबी और बड़ा प्यारा ताल्लुक है, तो आपको मैं दो मिनट साल लेने दूँ नूर भाई से पूछूं। नूर भाई, पृथ्वी नहीं, सवाल सबसे पहले आर्य भाई से बनता है, आर्य भाई से पूछो, उनके सबसे जो ताल्लुक है इनका भी, बचपन से भी और सारा, और फिर वो लेगेसी को वो कैरी करना। आर्य भाई बताइए, क्या पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और आपका जो ये इतना खूबसूरत ताल्लुक है, और जो आप एक लकी चार्म है हर शख्स के लिए जिसने अपना शो शुरू किया आर्य भाई को बुला के, उसका शो चला ही चला। मैंने पाकिस्तान के हर सेंटर से गाया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम पख्तून ना पंजाबी, सिंधी ना बलोचिस्तानी हैं, हम पख्तून ना पंजाबी, सिंधी ना बलोचिस्तानी हैं, एक खुदा और एक नबी, हम सारे पाकिस्तानी हैं। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये सेलिब्रेशन जो है मैं समझता हूँ मेरे पूरे पाकिस्तान की है, लेकिन सुबह पंजाब को थोड़ा, क्योंकि हमने फोकस करके उसको बयान करना था सिंध से वापस, तो उसका हाँ जी वो थोड़ा समय वो बयान करना चाह रहा था कि लोगों को, क्योंकि सबको पता है माशाल्लाह से बाइलम लोग हैं जो हमारी हिस्ट्री को जानते हैं, ये एक ऐसा कल्चरल मुल्क है, ऐसी कल्चरल धरती है जहाँ से सारी सकाफत फूटती है, अदब से लेके, और वो चीज़ें जो हम किताबों में ढूंढते हैं वो हमें फ़लसफ़ों में मिलती हैं इस धरती के। मैं समझता हूँ कि इसको ये बयान करूँगा कि ये जो मेरा पीटीवी है ये हमारी पालने वाली माँ है, जिसने हमें बकायदा तौर पे तरबियत दी कि बात कैसे करते हैं, अपने धरती को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और कैसे गुफ्तगू करते हैं पीटीवी पे बैठ के, कैसे होप होती है जो इंसान को हम देते हैं आर्टिस्ट लोग बैठ के, कि क्योंकि ज़िंदगी का मकसद जुमला जो है पूरी ज़िंदगी का, अगर इसे जमा कर लें तो आप एक उम्मीद के साथ ज़िंदा रहते कि कल फिर उठूँगा और फिर मैंने ये करना है, तो ये उम्मीद जो है ये हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसे सलामत रखे, नज़रे बद से बचाए, और हमारी हमेशा दुआएं रही हैं। मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, और इंशाल्लाह मज़ीद आपको इज्जत देते रहेंगे। आमीन भाई, बिल्कुल आर्य भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे आपको घर से एक तरबियत मिलती है ना, और फिर आप मुख्तलिफ मैदान मारते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े टास्क भी हल कर लेते हैं, तो वो एक थापी होती है, एक थापड़ा होता है, यू कैन डू इट वाली बात होती है, किसी ने आपको वो एक हिम्मत दिलाई होती है कि तुम कर लोगे, तो यही पाकिस्तान टेलीविज़न ने मेरी ज़िंदगी में भी किया, जिसको ब्रेक देंगे और वो सारा, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न तो वो है, लेकिन मेरे से अगर पूछोगी तो वो, या वो बहुत, तो ये जेके का शो शुरू हो रहा है जुगन काजिम का, तो वो एक बहुत ख़ास बात है ना, तो वो जो इतनी मोहब्बतें, शौक, सबको आसानियाँ, छुप छुप के काम करती है सारे, वो इसी यही करती है तुम, ये जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, जो उड़ती हैं ये
ये कन्फेटी। हाँ बस ये कन्फेटी वाली तुम भी करती, वो भी उसका भी सोर्स नहीं पता लगा आज तक तो आई चीजों का। हाँ, हमें भी नहीं पता चला, लगता अल्लाह का शुक्र। इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे मैडम, अभी आपसे भी बात करनी है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम, और मैं आपकी नालायक सी होस्ट जुगन गाजिम। तो आइए, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ ताल्लुक, एक जो रिलेशनशिप है, आप क्या कहना चाहेंगे? पीटीवी के साथ काफ़ी काम किया है माशाल्लाह आपने। मैंने बहुत काम किया, और सबसे अच्छी ये बात कि मुझे सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ सीखने का मौका मिला, और मेरी खुशकिस्मती है कि सब ने सिखाया और मेरा अच्छा काम करने पे मुझे अप्रिशिएट भी किया गया। सब बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत इज्जत करते हैं, मेरे लिए ये मेरा दूसरा घर। बिल्कुल सही आपने कहा, पहला घर कौन सा है? मेरा, जहाँ मैं पैदा हुई। अच्छा, जहाँ पैदा हुई थी। मैंने कहा शायद एक और चैनल भी है जो दूसरा जो पहला घर है। बट मॉर्निंग शोज एक ऐसा एरिया है जो कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है, फिर कभी कभी लोग कहते हैं कि बोरिंग भी हो गया है। मतलब मॉर्निंग शोज के बारे में लोगों का बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन है, बंदा सोचता है कि शायद करंट अफेयर्स के बारे में बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन होगा, लेकिन मॉर्निंग शोज, मॉर्निंग शो होस्ट के बारे में लोगों की हमेशा राय बड़ी स्ट्रांग होती है। तो जब हमारे साथ इतने ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं और ऐसे सीनियर्स हैं जो बल्कि हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, तो ये सवाल पूछना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा ज़रूरी है कि आखिर मॉर्निंग शो होना कैसा चाहिए? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में अगर आप व्यूअर्स देखें तो इंफोटेनमेंट बेस्ड ही होते हैं मॉर्निंग शोज़, और मतलब अगर फैशन पे भी बात हो रही है तो फिर आपको गाइड किया जाता है कि भाई इस किस्म की वार्डरोब ऐसी फिजिक को सूट करती है, खाने के भी सेगमेंट्स होते हैं, सारा कुछ होते हैं, जिनको ब्रेकफास्ट शोज़ वहाँ पर कहा जाता है। तो आखिर पाकिस्तान में टोटल फोकस जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पे क्यों होता है? कुछ इस पे भी हमारा आई थिंक इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, लेकिन इसके साथ साथ पीटीवी ग्लोबल के नाज़रीन और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। यूरोप, यूके एंड यूएसए में वो अपनी फीडबैक जो हैं प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की भी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। सो अब वापस आते हैं आपकी तरफ आरिफ भाई, ये बताइए कि मॉर्निंग शो से, ये जो ब्रेकफास्ट शो, मॉर्निंग शो होते हैं, ये होने एक्चुअली आपके ख्याल से होने कैसे चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले, और जो अपने मुल्क से जो चीज़ें जो हमें हम जिस पे मान करते हैं, जैसे कि मौसमी फल होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ सकाफ़ती दिन होते हैं, वो मनाए जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को याद रखा जाए, कोई ना कोई सेलिब्रिटी रखे जिनको पसे पर्दा छोड़ दिया हम लोगों ने, तो उनको भी एक, मैं समझता हूँ, एक ऐसा होना चाहिए आपके मॉर्निंग शो में कि आज का दिन फलां आर्टिस्ट के नाम है, थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस आप करें, ताकि लोगों को याद रहे कि ये आए थे आर्टिस्ट और इन्होंने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की, तो वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से कर लें, या छोटा सा सेगमेंट, उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं ना वो ये नहीं पूछेंगे ये कौन है। यही तो सबसे बड़ा इशू है हमारे जो आर्टिस्ट, जो हमारे इस्टेब्लिश, देखिए व्यूअर्स, एक ऐसा टाइम भी आता है कि कोई शख्स जो है उन्होंने 10-12 साल बहुत ज़्यादा काम किया हो, फिर शायद उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर ली हो, या उनकी वो वाली पॉपुलैरिटी ना रही हो, लेकिन उनके 10 या 12 सालों को आप निगेट नहीं कर सकते, आप उनको भूल नहीं सकते। बट ये तो आप मानेंगे आरिफ भाई कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क जो है हमेशा अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट पेश करता है और यंग लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन सुबह की बात याद रहती पूरा दिन, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि सुबह जब आप कोई बात करते हो तो पूरा दिन आपके दिमाग में वो रहती है। तो एक चीज़ आप सुबह देते हो किसी को कि ये है, इसने ऐसी ज़िंदगी ये गुजारी और ये पाकिस्तान को ट्रिब्यूट दिया,
ये किया, और इसके अलावा वही मौसमी फल भी आ गए, उसके अलावा डिज़ाइन क्या चल रहे हैं आजकल जो हम लोग पहनते हैं, हमारे गर्मियों में क्या लिबास होते हैं, हमारे एक्चुअल लिबास कौन से थे जो हम पहले पहना करते थे अब क्या है, और हमारे इलाके की वो सौगातें हैं जैसे मिठाई मिठाई मिठाई, अब मुझे बोलने दें प्लीज़, पहले मिठाई सोन हलवा, इस तो अलावा कई किसी जगह दी बर्फी, किसी जगह दे गुलाब जामन, थोड़ा जा सेगमेंट उधर रखो, यानी उसमें आप क्या करेंगे कि कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखें कि आप वो लोग जो हैं उन लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और वो माशाल्लाह वहाँ जाके वहाँ से वो जाते हैं, कहाँ से व्यूज चले जाते हैं। तो आप अपने इस जरिए से जब आप करते हो तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये मैसेज चला जाएगा कि फलां जगह दी बड़ी अच्छी मठियाई, अगले लोग सानू फरमाइशा करन लग पेंगे उन्होंने भी है सानू अंदर से भिजवाओ, सानू अंदरून पार्टी दे कतलमे पलवाओ भिजवाओ, जेदे दी लस्सी भिजवाओ भिजवाओ ना भैया भिजवाओ ना, हां हां जी फज्जे दे पाए भिजवाओ, हाय फज्जे दे पाए जेदे दी दाल, यानी ऐसे हमारी सकाफत में तो इतने रंग हैं जुगन, जो आप बयान करें तो कितने साल गुजर जाएं तो वो पूरे ना हो सके। अब मैं बताऊं मैं उस वक्त क्या कह रही थी बताऊं मैं क्या कह रही थी, मैं ये कहने लगी थी कि हमने ये डिसाइड किया है कि हम वीकली कल्चर सेलिब्रेट करेंगे किसी एक एरिया का, क्या पंजाब का, क्या सिंध का, क्या बलोचिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का, सिराइकी कल्चर, अभी जो मैं जिधर पहले अपना शो कर रही थी तो हमने जो लास्ट वीक किया था वो हमने सिराइकी कल्चर को ट्रिब्यूट पेश किया था। अच्छा, क्योंकि मैं हम आपको पता है नूर भाई ऑनलाइन जब रिसर्च कर रहे थे देखने के लिए कि भाई सिराइकी कल्चर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यूट्यूबर्स ने तो किया हुआ था और अल्लाह उनको खुश रखे जिंदगी दे जो उन्होंने ट्रिब्यूट इस तरह पेश किया टू सिराइकी कल्चर, लेकिन मेजर चैनल्स में कोई भी जो है वो पंजाब और सिंध से बाहर नहीं निकलता। और बात ये है कि बलोचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, मतलब ऑल द कल्चर्स जाना पड़ता नहीं, ना भी जाएं, मतलब आप बुला तो सकते हैं ना सेट के ऊपर, और जैसे कि भैया ने कहा कि खाना भी और उनके रिवायती ड्रेसेस भी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इस पर ज़रा मेहनत होगी लेकिन इंशाल्लाह इसमें इसका फीडबैक इंशाल्लाह। वो जिसे कहते हैं ना जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, मतलब आरिफ भाई कह रहे हैं कि वो जो यूट्यूब चैनल से भी लोग इतना जानते हैं, जैसे मेरा दिल चाहता है कि अगर आरिफ भाई बैठे हो तो वो आपको बताएं कि जो बावर्ची खाना है जिसे किचन या अरबी में मतबख कहा जाता है, उसके जब हम पंजाबी में बुरची खाना कहते हैं तो उसमें एक डोली भी होती थी, पीढ़ी पे बैठ के भी फुलके बनते थे, एक वो वाला बावर्ची खाना भी होता था, वो जो मिट्टी का चूल्हा आज भी गांव में सब जगह होता है या धूंखनी से आप वो सब करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ऑल अबाउट। मुझसे अगर पूछोगी तो मैं कहीं फिक्स, मुझे अच्छा लगता है जैसे चाचा जी का शो मुस्तनसर हुसैन दार बाबा है मॉर्निंग शो ना, तो वो मतलब हाँ मतलब उनसे रिलेट मुख्तसर और जामे क्रिस्प छोटे प्रोग्रामिंग अच्छी। और फिर सबसे बड़ी बात आरिफ भाई ने मेरे ख्याल वो बात ख़त्म ही कर दी है कि वो जो कहते हैं ना तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, कहते भाई रात जल्दी सोवो ताकि सुबह ये ना पता लगे कि आप फ्रेश नहीं है, मतलब ये कि वो जो बात आप लेकर जाएंगे वही आपके साथ दिन में रहेगी, सारा दिन रहेगी, वो सारा दिन रहेगी। तो वो फिर ऐसी बात ये कि जैसे अब आरिफ भाई आपके पास बैठे हैं और कभी आए हैं तो फिर वो बात हो और उसमें से कितना सीखने और जानने को मिलता है, और फिर जो ना जब ये रिपीट होता है और फिर सोशल मीडिया पे भी जाता है, रात में भी होता है, तो वो उसकी हैमरिंग भी बहुत अच्छी रहती है। बट नूर भाई ये व्हाई इज इट कि वो जो इंटरव्यूज का सिलसिला था वो खत्म हो गया है, मुझे ये बड़ा बॉदर करता है। मैं प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज देखती हूँ कि आपने नूरुल हसन के लेवल के आर्टिस्ट को आपको बुलाया है, या मतलब आपने आरिफ भाई को बुलाया, तो ये तो खजाने हैं इंफॉर्मेशन के, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका वो देखिए अगर नूरुल हसन बैठा है तो वो नूरुल हसन को देखना चाहते हैं, वो उनसे दूसरों के बारे में राय नहीं सुनना चाहते, अब वो आपसे आपकी राय और आपके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे दो तीन दफा लोगों ने कहा कि जी आपने फलां गेस्ट को बुलाया, तो प्राइवेट सेक्टर फलां गेस्ट को बुलाया, आपने उनसे उनकी तो बात ही नहीं की, आपने बाकी सब कुछ कर लिया। वो अल्लाह बख्शे उमर शरीफ साहब कभी हमारी हॉकी टीम के बारे में कहते थे कि हमने सारे एजाजात जीते दुनिया के, फिर वो वापस कर दिया, हॉलैंड ये तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया ये तुम्हारा, वो सारा। तो पाकिस्तान टेलीविजन हर चीज़ दान कर देता है, वो बनाता है स्टार्स भी बनाता है एक्टर्स भी बनाता है, फिर वो सबको दे देता है, आप भी ले ले, आप भी ले ले, आप भी ले ले, तो फिर वो ये भी लेकिन हिस्सा है, अच्छा है इसमें। लेकिन वो जो बात आपकी बड़ी अहम थी और मैं इसमें एक इजाफा भी करूँगा जुगन, आप इसको ना टैलेंट का भी एक बनाओ प्लेटफॉर्म,
यानी कौन से लोग जाने क्या क्या कर सकते हैं। हम बहुत सारे इंटरनेशनल शोज देखते हैं, इंडिया के भी देखते हैं, मौका मिलता है कि कोई क्या कर सकता है, हो सकता है कोई गा सकता है, कोई लिख सकता है, कोई कैलीग्राफी कर सकता है, कोई करतब कर सकता है, एक्रोबैट कर सकता है, तो वो अगर आपका प्लेटफॉर्म पे भी ये हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मजीद हमारा क्या प्लान है। एक तो हमने अपने कल्चर, अपने पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं कल्चर्स को रिप्रेजेंट करना है, ये एक हमने डेफिनेटली प्लान बनाया। एक और चीज़ हमने ये डिसाइड किया है कि जैसे कि एक वीक हमने सिंगर्स को डेडिकेट किया, यंग आर्टिस्ट जो अपने जोहर दिखाना चाहते हैं वो आके यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि एक दिन आरिफ भाई को बुला लिया, मतलब अपने जो हमारे जो स्टार्स हैं खुद वो आए जज करें और किसी एक को मौका दें आगे बढ़ने का। मजे की बात है, जज करने के लिए मत बुलाएं किसी को भी, मैं मेरे समेत। अच्छा, आप लोगों पे छोड़ें। हाँ, आप जज करेंगे ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब आवाम जो है वो इन्वॉल्व होना चाहती है, क्योंकि सिंगिंग हो गई, डिबेट्स हो गया, इन्वॉल्व होना चाहती है। पहले बात थी कि किसी दी पहुंच नहीं सीगी, उन तो एसएमएस ते फौरी तानो आ जंदी है, आ जाते हैं, ये बड़ा अच्छा आईडिया है। आप ये कर सकते हो, इससे क्या होगा कि आवाम की राय से वो बंदा कामयाब। अब देखिए ना, सिंगर्स हो गए, हमने डिबेट का कि वो जिसे हम पसंद करते हैं वो हमें नजर भी आना चाहिए, वो गुज़िश्ता दिनों में भी ऐसे साबित हो नहीं। बट अनूर भाई, अब जैसे कि फैशन शो करने से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप यंग डिजाइनर्स को बुलाएं और उनको मौका दें कि वो अपने अपने डिजाइन दिखाएं। फैशन पे करेंगे, सिंगिंग पे करेंगे, डिबेटिंग करेंगे, अप्रोप्रिएटली नाच, वो तो खैर आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान टेलीविजन पे, बट मतलब इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के रखेंगे मरहले जहाँ पे यंग लोग आए, क्योंकि यू ऑल्सो नो बेटा कि जब आपने स्टार्ट लिया था अपने आप को मनवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जगह ही नहीं मिलती। अच्छा, फैशन भी वो होना चाहिए, सॉरी फैशन भी वो होना चाहिए जो हर बंदे की पहुँच में हो। Exactly. वो वाला फैशन मत दें जो बंदे नहीं कर सकते। नहीं, ना पैदा करें वो। नहीं नहीं, एक तो अफोर्ड नहीं करते और दूसरी बात पहन नहीं सकते। बड़े यू सी वही वाली बात है कि फैशन शो आपने किया, आपने फैशन मतलब टेलीविजन पे, देखिए जो आप रैंप पे करते हैं और वो वाला करते हैं वो तो आप वैसे इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी टेलीविजन पे कर रहे हैं और स्पेशली स्टेट चैनल पे, तो वो फैशन होगा जो ए अफोर्डेबल होगा और बी उसके साथ साथ आरिफ भाई गाइडेंस की, अगर आप घर में खुद अपने कपड़े डिजाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और तीसरा वो कपड़े जो लोग पहन सकते हैं, ऐसा लिबास नहीं जिसका फ्रंट भी नहीं है, बैक भी नहीं है, डाउन भी नहीं है, अप भी नहीं है, वही, 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 बस हम, दो लीरे हैं। जी जी बिल्कुल, तो वो हम लीरे नहीं प्रमोट करेंगे, आई प्रॉमिस यू। तो यू नो ये वाली चीजें हमने सोची है कि यूज दिस प्लेटफॉर्म यंग लोगों को आगे बढ़ने का और हमारे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करने का, उसी में आपके चार साल निकल जाने हैं। मुझे ये लगता है जुगन कि आपका कोई भी शो, जैसे ये बैठे ना सन ऑफ द सॉइल, जो इस मिट्टी से फूटेगा, जो आप इसमें से चीज निकालेंगे वो बहुत अच्छी होगी। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब है ना, उनका म्यूजिक, वो कितने बड़े एम्बेसडर है पाकिस्तान के, आ रहे भाई ये सारे, मगर इस मिट्टी से फूटे, इनसे खुशबू आती है पाकिस्तान की। सो आपके मॉर्निंग शो से सबसे बढ़ के पाकिस्तान की खुशबू आनी चाहिए, फिर वो सारे इलाके, सारे सूबे, सब यू नेम इट एंड वी हैव। और मेरा इस आज का यही ऑब्जेक्टिव था कि हम नहीं लोगों को बताएंगे। और छोटी सी मैं अर्ज कर दूं कि उससे पहले जैसे हमारा ऑडिशन होता था ना, ऐसे पहले ऑडिशन हो रूम में, यहाँ पे आके ना एकदम से आप कोई ऐसा काम कर दे कि वो भी बच्चा या कोई भी जो नया टैलेंट है वो डिसार्ड भी हो जाए और वो ना हो। वहाँ पे जैसे कभी होता था ना रूम में, वो बकायदा ऑडिशन लेते थे तो ये वाकई ये गा सकता है, ये कर सकता है, सुन उस टाइप की चीज। हाँ जी बेटा बताओ। सर का कहने का मतलब है कि अब कोई बच्चा डिसार्ड ना हो कि अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो अच्छा गा नहीं सकता। काबिल नहीं है, हर बंदा काबिल है, पर वो अभी उसे उसे पकने में, मतलब है बेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ जी, सो व्हाट इज योर ओपिनियन मॉर्निंग शोज में, बिकॉज देखो एज अ यंग वूमन जब आप जाते हो शोज के अंदर, तो बड़ी दफ़ा मैंने देखा है कि आजकल जो यंग आर्टिस्ट होते हैं बड़े अनकम्फर्टेबल लग रहे होते हैं। अब देखिए ना आरिफ भाई, आपसे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कोई कह सकता कि फलां चीज़ करें, आप यू आर अ लेजेंड इन योर ओन राइट, बट जो हमारे आर्टिस्ट जो हैं जो अब इस्टेब्लिश्ड हैं लेकिन अभी भी अपने आप को लेजेंड के लेवल पर पहुँचाना है, उन्होंने अक्सर कहते थे कि जी ये भी कर दो वो भी कर दो शो में, ऐसे करना है। मुझे आज तक याद है कि एक ईद ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग के लिए गई और एक बकरा सामने था और मुझे कहा गया कि इस बकरे को सजाएं, उसको गुब्बारे लगा के, मतलब उसको रेडी करें। टास्क था ये आपके लिए? ये मेरे लिए टास्क था, मेकअप करना, ये सबका टास्क था। और उसको मेकअप नहीं उस बेचारे के साथ माइंड मेकअप करना। अच्छा, मैं आगे से मेरे दिमाग में घूम रहा है एनिमल क्रुएल्टी,
कि ये बेचारे मैं उसके साथ क्या करूं, मतलब क्या ना करूं, और वो मेरे लिए एक बड़ा ही अजियत ना तो बड़ी ईद का होगा शो, उन्होंने उससे किया होगा कुछ साथ सजाना बकरा। और मैं गेस्ट थी और मैं बार बार कहती जी मैंने नहीं, उन्होंने तो आगे से एक तो आजकल के आर्टिस्ट के नखरे बहुत है, मैं कहा उस बेचारे बकरे के साथ जो मैं कर रही हूँ उसने आगे जाके बेचारे ने कुर्बानी, मतलब उसको उसको प्यार करना चाहिए, लाड करना चाहिए कि उस पर चीजें अजीब लुटका लटकू के उसका मजाक बनाना चाहिए बेचारे का, मतलब मैं कहने लगी थी आखिर बकरा भी इंसान ही होता है। जो जैसे बच्चे करते ना तो प्यार के लिए ही करते, लेकिन आई थिंक मॉर्निंग शो में और जुगन काजिम ने ये कर रहा हूँ ये थोड़ा गलत, बल्कि अगर सॉरी जुगन आप कहीं भी जाएं किसी भी चैनल पर आप अपना बेस्ट देती हैं और सब आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? बिल्कुल। और नो डाउट हम कुछ ना कुछ सीख भी लेते हैं आपके शो से, और बाकी सब प्लानिंग तो हो गई, एक अच्छी सीख कोई भी छोटी सी आप अपने चैनल पर सुबह दे दें, जैसे कि आप परिंदों के लिए पानी रखें या उनके लिए कोई दाना वगैरह डाल के रख दें, और बाकी तो बेस्ट आप कर ही रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें जैसे कि सर ने भी कहा कि सुबह के टाइम पे जो बात होती है आइडिया के साथ जो सुबह के वक्त ख्याल आया था साहब से, वो मतलब हो चुके इधर ही से वो चोरी किया जा सकता है, उनका जब शो खत्म होता था ना तो वो कहते थे एक छोटी सी बात, एक पर्ची उठाते थे, उस पर्ची पे कुछ जुमला लिखा होता था, वही आरिफ भाई वाली का, वो अब हमारे जैसे सोहेल साहब के शो में अस्पताल में वो भी उसको फॉलो करते हैं, वो आप भी कर सकती हैं इसी तरह, एक पर्ची पड़ी और आप वो एक अच्छा कॉल हो जो एक वन लाइन बहुत अच्छा आपको दे दे, ये हमने अब ऐसे पटारी रख सकती है बड़ी अच्छी, उसको खोलो उसमें से काम, आपको वैसे पटारी बड़ी पसंद है, रमजान में आपकी पटारी कितनी फेमस हो गई थी, उसके बाद हर किसी ने पटारी पकड़ी, इस तरह करके कर लिया जाए तो वो भी अच्छा परिंदों वाली बात हो गई, या आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आप जब भी खाना बनाते हैं दो लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बना लें, दो लोगों के लिए, और किसी दो लोग मजदूर है, कोई शख्स है, कोई आपके दरवाजे पे आता है कि कुछ खाने के लिए है, तो किसी को भी भूखा ना भेजें या प्यासा ना भेजें, इतनी खूबसूरत बातें किसी शो में होती हैं? बिल्कुल नहीं, इतना टाइम ही नहीं आए गए ये करके, भाई हम अपने मोनोलॉग में ये ऐड करेंगे, हम बातें करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और छोटी सी बात भी आज शो के एंड में भी करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। ऐसे लोग प्यारे प्यारे से जिन्होंने हमारे शो की शुरुआत का जब हमने उनसे शेयर किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो शो का थीम सॉन्ग है या जो जिसको हम ओएसटी कहते हैं उसको हमें प्लीज़ क्रिएट करके दें, तो सबसे पहले तो मैं उस क्रिएटर की बात करूंगी जो खुद एक बहुत रेनाउंड लिरिसिस्ट हैं और एक बेहतरीन म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री में इन्होंने तहलका सा मचा दिया है, और लिखते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, और सुपर डुपर हिट होल कफारा जो है इन्होंने ही लिखा था, एंड इट्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सॉन्ग। एंड वैसे भी व्यूअर्स बात यह है कि हमारा मुल्क जो है जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो उसमें टैलेंट की एक कतरा भी कमी नहीं है, सो सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूँगी आसिम रज़ा को कि वो आएँ और उनका शुक्रिया भी हम अदा करना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच आसिम, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए जी प्लीज। थैंक यू आसिम, शुरुआत की है हमने तो डेफिनेटली शुरुआत की है और इतनी आपने हमारी सपोर्ट की और हमें इतनी मोहब्बत दी आसिम, थैंक यू सो मच। और अब उस सॉन्ग को भी सुन लें जी, डेफिनेटली जो आपने लिखा प्रोड्यूस किया और जिस स्पीड से आपने उसको लिखा और प्रोड्यूस किया, थैंक यू सो मच। आपको भी मुबारक हो क्योंकि जितनी जल्दी आपने जो है वो ये सारा जश्न बनाया है तो इसके लिए आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप आपके प्रोड्यूसर टीम सारी, डेफिनेटली। और फिर आसिम ने गवाया और जिन्होंने इस गाने को गाया खुद एक सुपर हिट फीमेल सिंगर हैं, शी इज़ ऑफ कोर्स फेमस फॉर बोल कफारा एंड ऑल्सो 15 से 16 पाकिस्तानी ड्रामों के अभी तक ये ओएसटी भी गा चुकी हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ के भी गाने गा चुकी हैं, उसके अलावा पाकिस्तानी हमारा जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ड्रामा है दर्द का मौसम एंड सहन, और अब बाय द वे हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का जो पीटीवी होम का जो
मॉर्निंग शो है मॉर्निंग एट होम, उनका भी इन्होंने ओएसटी गाया है। बहुत से लाइव कॉन्सर्ट्स एंड रिसेंटली यूके का टूर भी इन्होंने किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। बात कर रही हूँ सहर गुल खान की। रात की पलकें खुली सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगाड़े, जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ये गा लूं, फिर मैंने वो कोशिश छोड़ दी बेटा। तेरी मेहरबानी, क्योंकि बढ़ते-बढ़ते तेरी मेहरबानी, क्योंकि इससे पहले कि बिस्ती खराब होती मैंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंट, थैंक यू। और सर जी वेरी नाइस, थैंक यू। कितना वक्त लगा आपको ये लिरिक्स और ये सारा कुछ डेवलप करने में? हमने तो आपको कुछ मुसलसल 48 मिनट पहले ही बताया था। मैंने कहा मुसलसल 48 आवर्स मुसलसल, हाँ। और रात को भी इसको इसके ऊपर काम जी सुबह। और ये जरा पिक्चर्स देखे कि ये रात के 2-3 बजे हो क्या रहा था। आसिम को तो ना आप उस वक्त कहें जब ये कुछ अच्छा ना लिखेंगे, इसको आदत है इसी तरह अच्छा और इंस्टेंट बहुत ही कमाल, थैंक यू। आसिम हाउ डू यू डू इट, समझ नहीं आती कि एकदम से क्या आमद आ जाती है, होता क्या है यकदम? बस ये क्या कहें, अल्लाह का करम है और इसके अलावा तो है कुछ नहीं। बैकग्राउंड ये जो इनका पस मंजर, और फिर ये सबसे बड़ी बात ये कि चूंकि म्यूजिक पे कमांड है तो फिर वो लिरिक्स उसके अकॉर्डिंगली बैठते भी सही। दिस इज व्हाट ही सो गुड है। यही तो होता है जब ये आपकी जीन्स में चीज होती है ना, तो फिर टैलेंट भी फिर उसी लेवल का सामने उभर के बाहर निकलता है। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, वाह वाह जी। असल में ये भी चीज बिल्कुल नहीं की जाती। अब आप देखें ना कि आरिफ भाई म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हम सब की रूह की गिज़ा है, और जब मॉर्निंग शो होता है तो फिर उसका एक ओएसटी भी तो होना चाहिए। आई डोंट नो, ये हम सबकी एक सोच है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो एक याद रह जाए। यानी मुझे ट्यून भी याद है, क्या अच्छी बात, मुझे ट्यून भी याद होगी और मुझे बोल भी याद होगी। बात है कि चीज याद हो जाए। अब देखिए पुरानी अगर आप कोई
दोनों उठा के देखें तो वो गाने आज भी लोगों के कानों में रचे बसे हुए हैं। आप कहीं भी आप लगा लो। रात को मैं एक गाना बहुत पुराना निकाल के सुन रहा था, तो मैं अपने बचपन में गया हुआ था। तो ये सोची होती, ये आप एक याद को, एक टाइम को आप अपने कलम के ज़रिए उसको कैद करते हो और आवाम के रूह की तर्जमानी को बयान करने के लिए एक वॉइस होती है, और परफेक्ट, यानी लगा कि इसके लिए यही वॉइस चाहिए थी और यही अल्फाज चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। कि इसको मैं लिप सिंक बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो लोग कहेंगे नहीं, लोग कहेंगे आवाज इसकी नहीं है, इसमें से नहीं है निकली आवाज। क्योंकि ऑब्वियसली मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गए हैं, जिनमें से आई थिंक 15 ईयर्स से तो मैं मॉर्निंग शोज कर रही हूँ, राइट, 16-17 ईयर्स से पाकिस्तान में इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और कुछ 15 साल से तो मॉर्निंग शोज कर रही हूँ। और वही वाली बात है, मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि सुबह सुबह मेरी आवाज़ बर्दाश्त कैसे हो जाती है लोगों को, क्योंकि हम बिल्कुल इस बात फटावा ढोल नहीं कहते थे। हाँ बिल्कुल फ्रेश, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्यारा लगता है, उसकी हर चीज बर्दाश्त हो जाती है। तो यानी कि आवाज बर्दाश्त आप हमें बहुत प्यारी लगती हैं। उनको सुने ना, उनको सुने ना, वो भैया ने जो कहना था उन्हें कह दिया, वो भी होता है, ये शायद तो खत्म हो गई बात, मतलब क्यों है, नहीं बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द सॉन्ग, कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, खिलखिलाती सी आवाज बिल्कुल आप पे सूट कर रहा है आपके शो के साथ, जैसी आप हैं खिलखिलाता हुआ शो आपका सुबह सुबह आएगा पहले हमने थोड़ा सा तेज बनाया, फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, कुछ टॉर्चर भी किया, तो बताओ। अच्छा, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल रहा है, क्योंकि मेरे सामने कंपोजिशन बनी है, आसिम सर ने लिखा है, और मुझे इस जर्नी में टू डेज की जर्नी थी जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिस तरह मुझे आसिम सर ने ट्रेन किया कि यार लाइक इसमें ये वाला वोकल चाहिए, इसमें इस तरह की वर्सेटिलिटी चाहिए, दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आसिम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू फॉर दिस सॉन्ग पर्टिकुलरली? टास्क था सबसे पहले तो, क्योंकि यूजुअली पहले कभी मॉर्निंग शो का आपने किया है? काफ़ी किए हैं, मॉर्निंग शो के किए हैं डिफरेंट चैनल्स के लिए। अच्छा। लेकिन ये कि इतना कम टाइम नहीं था कभी भी, और फिर ये था कि जब कहा गया तो मुझे कहा गया कि अपनी मर्जी से एक अच्छा गाना बना दें, तो जब हमने बनाया तो मुझे था कि थोड़ा, मैंने जिस तरह से कंसीव किया, मुझे था कि सुबह जो है वो ज़रा एनर्जी के साथ, क्योंकि सुबह आप उठते हैं, उठते ही आप एक मग जो है वो कॉफ़ी का या चाय का पीते हैं, तो एनर्जी वाला होना चाहिए। तो फिर बनने के बाद जो है, जब हम सुकून की सांस ले रहे थे मुसलसल 48 घंटे के बाद, तो मिक्स एंड मास्टर हो गया हर चीज़, तो फिर जो है वो एक आपकी तरफ से जो है वो आई कॉल के शुरू में थोड़ा सा मेलो करके हम आए, तो वो अच्छा था। वो फिर वापस जब आप रिकॉल, आप एक चीज़ बनाते हैं, जब उसको रिकॉल करते हैं लिखे हुए को भी, जब आप लाइनें काट के उस पर वर्कआउट करते हैं, तो वो ज़रा और थोड़ा जो है वो बेहतर हो जाता है। तो मुझे लगा अब ये ज़्यादा सोल के करीब है, तो डेफिनेटली इट वाज एन अमेजिंग। अच्छा, देखें, जब इस लेवल की पैनल साथ हो, मैं ये ना पूछूं कि आजकल आपकी अपनी क्या मसरूफियात हैं, तो ये गलत बात होगी। जब लेजेंड हमारे साथ हैं, लिविंग लेजेंड, तो आरिफ भाई आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या कहानी है? बस कोविड से जान छूट गई है, शुक्र है अल्लाह का शुक्र, और अभी अल्लाह ताला और एहतियाती तदाबीर तो रखें, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बात है कि सारी दुनिया डिस्कनेक्ट हुई पड़ी हुई थी, और कितने लोग जो हैं वो दुनिया से जा चुके हैं, और इसके बावजूद जो दुनिया है अल्लाह की, वो फिर दोबारा से जब आई है तो अच्छा लगा है कि रौनकें दोबारा हुई, और जैसे आपने सेलिब्रेट किया आज, मुझे अच्छा लग रहा था कि ये ज़िंदगी रूट गई थी हमसे, ये दोबारा से हम देख रहे हैं। डेफिनेटली, क्या बात है, क्या बात। अरे भाई ने सुबह सुबह हमेशा की तरह एक बहुत गजब की बात की, और वो शायद सुनने में उस तरह जरा डरने में लगे, उन्होंने कहा हम इस दुनिया में मरने के लिए आए हैं और फिर हमें जीना है आगे। सो वो अब ये जो बात है, इसको ऐसी कमाल फूड फॉर थॉट है कि ये तो मौज लगा दे बंदे की, तो कदर करनी चाहिए जो जो लम्हे आपके पास होते हैं। तुमसे सीखा है ये बहुत ज्यादा कि जब आपके पास जो चीज़ें होती हैं उनका ख्याल रखना है, उनको, उनकी देखभाल करनी है। और मैं बहुत माजरत के साथ फिर से ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों से जिनसे आप लड़ते या झगड़ते हैं, आप
उनके मरने के बाद नहीं झगड़ते उनसे, मैंने किसी को कब्र से लड़ते नहीं देखा। तो जब कोई जिंदा हो तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसे लड़ाइयाँ ही करनी है, उसको ख्याल और वो देख रेख करनी चाहिए। जहाँ तक मसरूफियत का सवाल है, शूट्स हैं लाहौर में हैं, कराची में हैं, वो साथ साथ सिलसिला चल रहा है। पिछले दिनों में हम आपके हमसाए में आ गए, ये भी हो गया, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों हमारे हमसाए में आ गए, हम आपके हमसाए में आ गए ना, ताडे गोंडी बैक टू लाहौर। ये इंकशाफ एक और है ना, है You shifted near my house? जी 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 We are the हमसाए? जी 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 मैंने वो आपकी क्वेश्चन भेजा था, वो आप नहीं समझी, मैंने कहा था हमसाई, वो तुम्हें नहीं पता लगा नहीं, कि वो मुझे क्या है। समझ आई। So it's like, I think it's 500 to 700 yards or something like that. तुसी के हमसाई उन्होंने समझ गया। गोंड में गोंड में। मैंने कहा शायद किसी और को गलती से भेज दिया, क्या बोलूं मैं। अच्छा ये मामला है, ये है, ये ब्रेक में डिस्कस करना पड़ेगा मामला मजीद। अब तो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद क्या मसरूफियात चल रही हैं और कुछ गेम्स भी खिलाएंगे। बकरा नहीं सजाना, अलबत्ता बकरी की मैं गारंटी नहीं दे सकती, ये ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। व्यूअर्स, खूबियां और खामियां हर इंसान में होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने शायद खामियों का सेक्शन जो है वो जरा छोटा रख दिया मेरे हिसाब से, लेकिन चले। मेरी खूबियां और खामियां, मेरे दो बहुत ही प्यारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। नूर भाई तो खैर हम सबसे एज में बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से मेरे जो छोटे भाई हैं दूध के दांत अभी टूटे, अभी दूध के दांत और दूध के बाल इनके प्रॉपरली नहीं निकले, तो नूर भाई आप और आरिफ भाई आप, हाँ, खूबियां और खामियां लिखनी है और खामियां सच्ची लिखनी है। और नूर भाई आपको तो हमने तो इतना साथ काम किया कि यू नो माई खामियां, झूठ नहीं बोलना, जेन्यून लिखनी है कि क्या खामियां है, वरना मैंने खड़े होकर फिर अपनी खामियां सुना देनी और आपको पता शो पहले दिन ही ऑफर हो जाना है, तो आप सच्ची सच्ची खामियां लिखेंगे और आरिफ भाई आप भी सच्ची था, वो बोर्ड पकड़ के ना वो यस नो वो यस वाला जो है ना लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि हुन मैं तन सीधा करना, असि कह रहे हैं कि चलांगी पखियां बड़ा कुछ कह रही है। तो वो नो को जो घूम मार रहे हैं और आरिफ भाई, अच्छा नहीं, असल में परेशान हो गया हूं मैं, क्योंकि कभी किसी के बारे में मैंने ऐसे ना तो कमेंट कहे हैं ना लिखे हैं। अब ये एक जमाना था जब किसी ने खूब कहा होगा तो वो क्या अल्फाज, अब मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता कि पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। वो जो तो वो बात है कि हर बंदे के अंदर खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं, और खूबियां जो होती हैं वो खामियों से पैदा होती हैं। वाह वाह वाह, तो फिर तो फिर लिखना बनता है। अगर खामियां नहीं हैं तो खूबियां कैसे पैदा हो सकती हैं? बेशक, तो अब तो खूबियां ही खूबियां हैं भाई, नहीं तो पुरानी खामियां लिख दो, पुरानी खामियां लिख दे, चले आ जाए पुरानी खामियां आ जाए। मैंने कभी खामी लंबे बालों वाले दोनों मेरे जो ब्रदर है ना, मुझे तो ज्यादा डर तो खत का है कि मेरा तो वो अच्छा ही नहीं है खत लिखने का, लेकिन आपको मेरे खत का तो पता ही है। बात ये कि एक सीधी सी बात है खातिनों साथ, आपको भी जो खामियां होती है, ये खामियां जो है ना ये चौराहे में बताने के लिए नहीं होती, ये कान में बताने के लिए होती है, वो बाकी ये खुद ही बता देगी जैसे वो कह रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि खूबियां क्या ये देख रहा, खूबियों पे भी सोची प्याते बंदा ते ते पाई नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ कि खूबियां क्या क्या बयान कर रहे हैं। अरे भाई, अरे भाई, कैसे 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 लड़की ऐनी तुसी हांडियां तैयार कर दितिया ने, ऐ की स्टोरी हैगी है जरा ये स्टोरी बताए हमें। सॉरी मेरा बेटा, आज मैंने टाइम बहुत कम दिए क्योंकि मैं मेरा बच्चा, अच्छा सो टेल मी हमारी रेसिपी। ओ बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, इसको बंद कर दूं नहीं तो रेसिपी बताते हुए वो खराब हो जाएगा मेरा। ओके अच्छा, तो पहले चिकन बिरयानी है उसकी रेसिपी बताती हूँ। तो आपने पहले 2 किलो मुर्गी ले लेनी है, साथ आपने 2 किलो चावल ले लेने हैं,
एक किलो प्याज, एक किलो टमाटर, हसबे ज़रूरत धनिया और पुदीना ले लेना आपने। उसके बाद आपने एक ज़ीरा ले लेना है, गरम मसाले जो भी आपने ऐड करने हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स साइड पे। एक कतरा जीरे का? नहीं नहीं, एक कतरा नहीं, एक चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच, चम्मच जीरे का। आलू बुखारा और जो है ना आलू बुखारा और इमली 100-100 ग्राम लेना है आपने। फिर आपने जो गरम मसाले साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है, ठीक है। नीचे आपने जो है ना बिरयानी मसाला एक डब्बा ले लेना है और एक पाव डेढ़ पाव आपने ना ऑयल ले लेना है, ठीक है। इसको अब आप, मैं अब डिटेल में बता दूँ कि पकाना कैसे है। हाँ जी, ठीक है। पहले आपने ऑयल ले लेना, उसको गर्म करके उसमें प्याज डाल देना है। उसको जब ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने गार्लिक पेस्ट डाल देना। गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें ना थोड़ा टमाटर ऐड कर देना है। उसका आपने मसाला बनाना है, उसमें आपने जितनी इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई थी मसाले की वो आपने ऐड कर देनी है। साथ ही आपने इसमें बिरयानी मसाला डाल देना है और चिकन डाल के इसको भूनना शुरू कर देना है। जैसे जैसे ये ऑयल छोड़ता जाएगा आपका चिकन मसाला तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने बॉयल कर लेने राइस। दूसरी रेसिपी हमारी है मोइटो, पीच मोइटो। बहुत इजी रेसिपी है। आपने एक पीच ले लेना है और साथ उसको ना उसके अंदर आपने कुछ पत्ते, हाँ आड़ू लेके कुछ पत्ते आपने पुदीने के साथ नींबू के ना छोटे छोटे स्लाइस करके आपने उसको ना उसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करके उसको पहले से ना क्रश कर लेना अच्छी तरह से ना, यानी जैसे होता है ना थोड़ा थोड़ा सा उसका फ्लेवर ताकि उसका रस बाहर आ जाए। फिर उसमें आपने जो है ना आइस क्यूब्स डालनी है जैसे बर्फ़। उसके बाद आपने उसमें डाल देना है सोडा। जब आप सोडा डालेंगे तो उसका फ्लेवर खुद ब खुद उसके अंदर बहुत मज़े का आ जाएगा। दूसरी रेसिपी हमारी ये हो गई। और तीसरी, तीसरी हमारी भी बहुत इजी है, वो है मैंगो प्यूरी। और ये है कि जब आप कोई मुश्किल डिश ले लें तो आप जो गेस्ट आपके आते हैं उसके साथ आप जो है ना ईजीली फटाफट बन जाती है। मैंगो का पेस्ट बना लेना है, जो प्यूरी बना लेनी है आपने 2-3 आम ले लेने हैं, साथ आपने 2 क्रीम के पैकेट ले लेने हैं, उसको आपने उसमें मिक्स कर लेना है। साथ ही कंडेंस मिल्क हसबे ज़रूरत जितनी आपको लगे कि आपका क्वांटिटी आपकी मीठा ज़्यादा नहीं कर दे, 3-4 हाँ वो आपने देख लेना खुद चेक करके। तो ये जब आप डालेंगे उसके ऊपर प्रेजेंटेशन, आपने कोई भी बिस्किट ले लेना उसको क्रश करके उसके ऊपर आपने डाल देना। तो एक तरह से ये मैंगो प्यूरे या मैंगो मूस बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। अमेजिंग अमेजिंग। चल मेरी जान अपने काम पे लगो, लगे रहो। ओके बस बच्चों, अच्छा हो गया। चलें जी, आपका वक्त खत्म हुआ। ये क्या है? ओ पढ़ के भी तो दसना पड़ेगा कि ये मैं नहीं, पढ़ के भी तो दसना पड़ेगा ना। हां भैया पढ़ के। ओहो हां जी भाई, अच्छा मैं एक नुक्ता पढ़ना भूल गया। एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। मैं अपनी खामियां लिख रही हूं। ओके इधर भी लिख दो बाकी। हां बैड टेंपर्ड लाउड, मैं अपनी खामियां बता रही हूं। एक तो मैं बहुत लाउड हूं, अच्छा ठीक है ना, और सिर में दर्द कर देती हूं जब अपने एक्स्ट्रा लाउड मूड में होती हूं। एक तो हाइपर भी बहुत हूं और बैड टेंपर। अच्छा लेकिन ए तो सानू पता ही है, लिखना लिखड़ी गल। मैंने कहा बता रही हूं। अच्छा अच्छा, ये जो खूबियां, ये खूबियां आप बता रही हैं, ये जो खूबियां, जो खामियां नहीं, खूबियां ये हम में भी हैं। लाउड ले ला, ये तो ये हाइपर, वही बात है ना, अभी ये किसी को भी बोला ये है कि नहीं, सबके अंदर है। अच्छा ये बताइए, खुश इखलाक, अच्छा जी, दुख छुपा के हंसने वाले, दुख छुपा के हंसने वाले, ये मैं जानता हूँ, इसका आई विटनेस, ये हम तीनों ऐसे ही, मैं आई विटनेस, ये हम तीनों, इसका आई विटनेस, जिंदगी को खूब जीने वाले हसास, कभी कभी सास। हमारे नोट्स बड़े मिलते हैं। अच्छा नोट्स, अच्छा आपके नोट्स, अच्छा लिखा बहुत बुरा है इसकी तरफ, गलत हो गया। ये है मोहब्बती, अच्छा मोहब्बती, ख्याल रखने वाली, मुस्कुराने वाली, छुप छुप के दूसरों की मदद करने वाली, अल्लाह के दिए में से देने वाली, प्यारी माँ, मेहनती और पुर उम्मीद। पुर उम्मीद, होपफुल। अच्छा मैं कहने लगी थी नहीं नहीं वो भी ठीक है। बस 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 बस, थैंक यू सो मच टू माय ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल ब्रदर्स, थैंक यू। वैसे यही तो बात होती है भाई, हमेशा ऐब भी छुपा रहे होते हैं आपके। वैसे ये काम बहनें ज्यादा अच्छा करती हैं वैसे, लेकिन काश के सब इसी काम पे लग जाएं। काश के किसी, थैंक यू सो मच फॉर द लवली एंड प्यारा प्यारा कमेंट्स, थैंक यू सो मच। बट खामियां बहुत ज्यादा हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं ऑनर बता सकते। अच्छा अब एक जरूरी काम कराना है मैंने आप सबसे, और वो जरूरी काम ये है कि आप लोगों से मैंने सवाल पूछना है और आपने बताना है कि यस या नो। डन हो गया? ओके मैं जरा सवाल लिया
जो मैं भूल गई हूँ वहाँ पे जाके एक्साइटमेंट में। ओके, तो हमारी जो येस और नो गेम है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपने शेयर करना है कि क्या ये आपने किया है कि नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, ये मॉर्निंग मॉर्निंग एट होम है सर, वो वाला नहीं है शो। अच्छा ओके, और एक दूसरे को देख के नहीं जवाब देना, कभी किसी की झूठी तारीफ की है? झूठी तारीफ तो बहुत होती नहीं है भैया, बहुत की है। और भाई कभी तो किया आपने झूठी तारीफ, जैसे कि अभी की है? नो no? हमेशा सोचा मैंने कि कोई है तो नहीं। अच्छा अल्लाह ओके, कभी किसी कैफे या रेस्टोरेंट में वो कॉली नहीं होती सौंफ की? वो सौंफ जरूरत से ज्यादा उठाई है? ओह यस, बहुत ज्यादा। जरूरत से ज्यादा होता ना कि अगर अगर इतनी सी उठानी होती है तो मतलब मैंने जरूरत से ज्यादा पॉकेट में भी डाल ली। मैं भी यही बैग में डाल दी फिर गंद बुला के साथ सौंप खा रही हूं। ओके, पब्लिक प्लेस में खड़े हो के कभी खारिश की है? यस, आगे बढ़ते। होटल से वापसी पे कभी साबुन या तौलिया या कोई कुछ पड़ी नहीं होती चीजें उठाई है? सारे होटल वाले जैसे कोई साबुन उठा लिया या बॉडी वॉश उठा लिया या कोई ये कोई भी? अरे भाई कौन है आप, क्यों है आप ऐसे? नहीं मैंने नहीं, इसलिए कि मैं कहता चोरी का इल्जाम ना लग जाए। अच्छा नहीं नहीं, मैंने शक रहा सी बाद में तलाशी लेंगे। हमारे उधर के बात सुने, बात सुने, मुझे ये पहले पहले जब मैं आया ना तो ये परफॉर्म में और यहाँ मुझे होटल वगैरह भेजते थे तो मुझे ये डर रहता था कि मेरे अंदर कोई ऐसी खामी ना हो जो के प्रमोटर को पता चले कि यार है तो है शीशियां को मैं तो चुकता ही नहीं सब, बिल्कुल डर तो है। हूँ पछताना कि मैं चुकी हूँ क्यों नहीं। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा ये बताएं कि कभी लाइन में लग के बिजली का बिल या कोई भी बिल वगैरह दिया है, मतलब सेलिब्रिटीज बनने के बाद, स्टार बनने के बाद? पहले भी नहीं, मैं तो गया ही नहीं कभी, मैं गया ही नहीं कभी। नो नो नहीं लगा तो हम दो ही हैं जो पहुंच जाते हैं बिल्स वगैरह देने के लिए। ओके हाँ, कभी शैम्पू खत्म होने के बाद उसमें पानी डाल पहले ही भूल दिया उसको इस्तेमाल किया? तो जो साबुन इस्तेमाल करता है उसके बारे में क्या ख्याल है? साबुन के अंदर पानी घोल के साबुन के साथ दूसरा साबुन चिपर जो तो रह जाए ना उसकी चग बना क्या कीता है। मेरे तो हमेशा कोई एक उंगली निकली होती है सॉक्स के अंदर से, वो नेल्स की वजह से ना, मेरे तो इतने से नेल्स है, मैंने कौन से को लंबे रखे हुए। हाँ लेकिन फिर भी थोड़े बहुत नंगे पाँव फिरने की प्रॉब्लम ना, तो वो सॉक्स बेचारों का बेड़ा गर्क हो जाता है और वो नीचे ना उसके तो पहने हुए। अच्छा ओके, ये बताए कि कभी पुराने साबुन के खत्म होने के वक्त पे नया साबुन चिपका के इस्तेमाल किया है? चिपक ही जाता है, चिपक खुद ही चिपक जाता है। हाँ, हाँ, तो एक ही वो अगर वो सोप ट्रे में होगा तो वो कुछ लग जाता मिक्स मुक्स करके इतना इस्तेमाल नहीं करता जितना तू कह रही है, लेकिन वो हो ही जाता होगा मेरा जो पता लग जाए कि अपना वाशरूम गया तो उसे नहा रहा मैं तो चिपरा रह गई ना साबुन ले आना भूल गया तो वही कठिया करके दूसरा जहाँ शो कर रही थी वहाँ पे उन्होंने आके एक कहानी सुनाई वो मुझे आज तक नहीं भूलती, वो मैं भी शेयर करूंगी आखिरी सवाल के बाद। टूथपेस्ट खत्म होने के बाद क्या ऐसे ऐसे करके उसको कभी फोल्ड किया निकालने के लिए? ये तो एक कॉमन कॉमन बात है, सब करते हैं हर बंदा। तो वो कहानी कुछ ये है कि एक शख्स हमारे शो पे आए, नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि हुआ ये कि हम लोग गए किसी जगह पे ना, तो वो फार्म हाउस टाइप था,
तो वहाँ पे जो सारी मिट्टियों से भरे हुए ये वो सारी, जब आप फार्म्स पे जाते हो तो पहले आप आउटडोर घूम घुमा के ये वो, तो वो फार्म पे गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी, बुजुर्ग से अंकल से थे तो उन्होंने कहा अंकल जी नहाना है प्लीज़ जल्दी से कोई, तो बाथरूम में गए तो नहाने के लिए गए तो वहाँ पे ना मुख्तलिफ किस्म के ना बहुत से जो साबुन है ना वो पड़े हुए थे लाइन के अंदर, तो उसने आवाज़ दी और कहा कि भाई कौन सा वाला साबुन, उन्होंने कहा जी कोई भी इस्तेमाल कर ले सब इस्तेमाल वाले। खैर वो नहा न हो के सारे लोग जो है ना आ गए, हर बंदे ने मुख्तलिफ को साबुन यूज़ किया के बैठे हुए हैं, तो कहते बाबा जी एक गल बताओ, ए बाथरूम में चने साबुन क्यों पाए हैं? तो बाबा जी कहते वो मैं ना एक तो है मेरा काम है, तो दूजा काम मेरा ये है कि मैं मुर्दों को नहलाता हूँ, तो जो साबुन बचते हैं वो कहते हैं ले जाओ, तो वो बेचारे उस साबुन से नहाए हुए सारे के सारे कहते हम लोग बाहर भाग गए और हमने वो जो होज नहीं होती उससे सबने अपने आप को कपड़े आज ही हमने पहने हैं कपड़े आज ही हम नहाए हुए, तो वो साबुन वाली कहानी नहीं मुझे पूछती कि यार किसी के भी जाकर अपने साथ अपना बॉडी वॉश लेके जाओ भाई, कुछ पता नहीं कौन सा साबुन किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ। तो हाँ जी, वो जो साबुन के छोटे छोटे आप कह रहे हैं ना पीस, उससे तो अपने इस्तेमाल किए, मुर्दा खाना तो होता नहीं वहां पे। मतलब वरना तो आपका अरबी घर में साबुन बनाते सारे और वो सब सिलसिला। अच्छा अब नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। अच्छा मैं वर्ड बोलूंगी, जो भी पहली चीज जहन में आएगी आपने शेयर करनी। आरिफ भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। दोस्ती, मोहब्बत, शादी जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। कितनी दफा? जितना दिल कर जितना जितना मतलब आप जो इसमें जायका, ये तो अपने पे ही है ना आपके, मैं थोड़ी तो सुना। हस्बे तौफीक। सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मोहब्बत हर इंसान को होती है, हर इंसान से होती है, हर इंसान को आर्टिस्ट है ना, मैंने पता नहीं। स्ट्रगल, स्ट्रगल मैं बहुत कर रही हूँ। अब क्या कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो लगता है मैं एंड टाइम टाइम तक करती रहूंगी इंशाल्लाह। अच्छा शेफ, हमारी शेफ, शेफ अस्सलाम वालेकुम, हो जाए पुरतवज्जो हो जाए। अच्छा बारिश, भीगना, वाह नाइस। पैसा, जरूरत के मुताबिक ही अच्छा लगता है। रिश्ते, लजपाली, क्या बात। ख्वाहिश, ख्वाहिश वो रमजान में जो डिस्कस की थी वो नहीं, ख्वाहिश हाँ कि अब कोई ख्वाहिश ना हो। आह हाँ हाँ। बचपन, मेरी माँ, उनके साथ है। दुआ, दुआ, दुआ मेरे वालदैन, माय पेरेंट्स, बहुत बहुत अच्छा। बच्चे, आरिफ भाई, अपना बचपन। रोड, 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 रोड टू हेवन। चाय, मैं नहीं पीता। नहीं, घर, माँ के साथ सजता है, बाप के साथ सजता है, अपनों के साथ, अपनों के साथ। मॉर्निंग जुगन, मॉर्निंग में जुगन, लेकिन अब मॉर्निंग एट होम हो गया। ये चीटिंग हैबिट जो है ना क्लास से चली हुई है, पहले ही देख लिया। नहीं ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा। अच्छा चलो अब आप आपसे काम कराती हूँ मैं। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, तेज तेज बोलो, ये दोनों लड़कियों से मैंने करवाना है काम। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक ग्राउंड, नहीं नहीं दो 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 भी नहीं हुए पूरे। अच्छा चलो, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैंड बैक। आरिफ भाई, कच्चा पापड़, पक्का पापड़? नहीं ना, ये नहीं मैं कहूंगा। मैं कहना मैं छड़ा मेरा बापू रंडा, छड़ा पड़ासी दादा, सज्जे खब्बे घर छड़े आंदे, छड़ा मोहल्ला साडा, छड़िया नाल सलामा लैकी, छड़िया नाल तगादा, भाजी जांजी नेंदा जेंदा, छड़िया नाल साडा, असी कदीमी छड़े गोरीए, छड़िया दा खनवादा, एक किधरों मी वरिया तेनू लभ पिया कर साडा। क्या ब
बात है, ऑसम। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिस्कस करना रह गया है वो ये है कि आज तक जो भी ख्वाहिश की, क्या वो पूरी हुई या अभी भी कुछ ख्वाहिशात बाकी हैं? आरिफ भाई, ख्वाहिश पूरी हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ख्वाहिश रहनी चाहिए ताकि आस लगी रहे। क्या बात है, आपने तो कहा थोड़ी देर पहले ख्वाहिश से ही रिलेटेड कि ख्वाहिश, ये ख्वाहिश है कि कोई ख्वाहिश ना हो, लेकिन कोई ख्वाहिश है अभी? नहीं नहीं, वो जो नहीं भी की अल्लाह ने वो भी पूरी करी, वो भी एक ख्वाहिश है, वो भी एक ख्वाहिश है ना, वो भी ख्वाहिश है, वो भी ख्वाहिश, सही कह रहे हैं, जो नहीं पूरी हुई वो ख्वाहिश है, वो भी ख्वाहिश है। अच्छा, लेकिन यहां करना भी तो ख्वाहिश ही, फिर गल होती आ गई। लेकिन आप देखें ना, आप दोनों एस्टैब्लिश्ड लेजेंड्स हैं इन योर ओन राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो लेजेंड के लेवल पे जब इंसान पहुंचता है तो कम से कम काम और करियर में तो ज्यादातर ख्वाहिशें पूरी हो ही जाती हैं यूजुअली, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, क्या सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह। वाह, मुख्तसर और जामे, मुख्तसर और जामे। मैडम अगर है तो बोल सकती है, बाकियों की बातों में नहीं आना। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हजारों ख्वाहिशें इसी के, हर ख्वाहिश पे लगे, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और बहुत सारी पूरी भी हो चुकी हैं। जिनमें से एक ये कि मैं काम करना चाहती थी, फैमिली साथ नहीं थी, मैं आपके शो में भी जिक्र कर चुकी थी, आप भी हमारे जी, साथ जी, उसमें थे। तो अल्लाह का शुक्र मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं काम कर रही हूँ, ये पूरी हो गई। और अब अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, बहुत बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, ये ख्वाहिश इंशाल्लाह। आमीन आमीन। व्हाट अबाउट यू माय डैड? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सो ब्लेस्ड सिंस माय चाइल्डहुड, तो मैंने जो ख्वाहिश की है वो हमेशा पूरी हुई है। और जो नेक्स्ट मेरी ख्वाहिश है वो है मामा पापा को उम्रा हज करवाना है, तो और मुझे यकीन है कि वो भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। और ये तो ऐसी ख्वाहिश है जो आपके जब दिल से निकलती है तो वो डायरेक्ट अल्लाह मियां के पास पहुँचती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आती। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे ऑफकोर्स अब हम एक छोटी सी मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने शो को कंक्लूड भी करना है, और जब आरिफ भाई जैसे सुपरस्टार हमारे साथ हैं तो कुछ ना कुछ तो छोटी सी ब्रेक के बाद। आज पहला दिन था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बैक होम, मॉर्निंग एट होम पे। आई होप कि आपको शो पसंद आया होगा, और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आज जो हमारा पैनल है वो आज हमारे साथ ज़रूर हो, क्योंकि आरिफ भाई और नूर भाई तो मेरे भाई हैं, मेरे बिगेस्ट सपोर्टर्स हैं। व्यूअर्स, मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ, मैंने कोई भी काम किया हो, इनके एंड से रिकग्निशन, मोहब्बत, प्यार, सपोर्ट। भाइयों की सबसे प्यारी बात ये होती है कि बहन को हमेशा ये पता होता है, ये हौसला होता है कि मेरे साथ ये हैं। वो ना भी कांटेक्ट करें, ना भी कभी रابطہ करें, मुझे अपने दिल में पता है कि ये दो मेरे भाई हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। और वो जो कहते हैं ना, योर राइट हैंड एंड योर लेफ्ट हैंड, योर सपोर्ट सिस्टम, तो इन दोनों प्यारे भाइयों के बगैर आज पहला शो नहीं हो सकता था। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अपने कामों में मेरा मेरा आना बहुत ज़रूरी था। और ये मैं आपको बता दूं, बहनें ऐसी ही बातें करती हैं भाइयों के बारे में, दिस इज़ व्हाट अ सिस्टर इज़ ऑल अबाउट। अब तो हम जीती रहे, अब आ रहे हैं आप, अरे भाई आप भी अब शिफ्ट हो जाए हमारे पास ही। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं असल च शिफ्ट होया तो सी कदे टटोल के नहीं देखे। हाय 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 हाय, लगा दी हर। वाह वाह, थैंक यू सो मच।
फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट आई एम सो ग्रेटफुल आपने जो एक ये एफर्ट किया है वेरी नाइसली थैंक यू क्या बात मेरा बच्चा थैंक यू सो मच योर अ स्वीट हार्ट एंड गुड़िया मेरी छोटी बहन है ने हमेशा मेरी बहुत सपोर्ट किया है आई लव यू माय डार्लिंग लव यू मोर दुआ में याद रखना और अम्मी को स्पेसिफिकली कहना कि जरा दुआ करें और व्यूअर्स यहां पे जाते जाते आरिफ भाई अरे कुछ सुना दे आ गया गुड बाय करा दे हमें